तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो डेविल वॉक्स फन लिखे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर थप हमारे और पास में ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियोस आपके पास डेली पहुंच सके और लाइक भी जरूर कर देना। आज है लेजेंड रिदम्स वर्सेस शैडो फाइटर्स का मैच। लेजेंड रिदम से आए हैं TF Beast 15, TF Master 07, डेविल राज और खेला होवे ऐसे। और यहाँ आए हैं शैडो फाइटर से भी गैंगस्टर ओपी नोबिता और गोकू और शैडो। यहाँ शैडो को पहले ही ख़त्म कर दिया गया है, गोकू भी ख़त्म, उसमें गैंगस्टर भी ख़त्म, ओपी नोबिता भी ख़त्म। यहाँ फर्स्ट राउंड यहाँ जाते हुए लेजेंड रिदम्स के खाते में। इट्स जस्ट ओपी। TF Beast 15 का 2 किल्स और खेला होवे FF का 2 किल्स। क्या स्ट्रैटेजी रहेगा देखते हैं, इस भी गैंगस्टर शैडो फाइटर्स की टीम से क्या स्ट्रैटेजी देखने को मिलता है। ओपी नोबिता देखते हैं क्या करते हैं आज। आगे बढ़ते हुए यहाँ क्या स्ट्रैटेजी से खेलेंगे यहाँ टीम, फुल टीम देखते हैं। यहाँ शैडो डबल डोर में चढ़ चुके हैं और यहाँ गोकू को पहले ही नॉक कर दिया गया है। यहाँ ओपी का कवर देके रिवाइव दिया जाएगा। शैडो को नॉक कर दिया गया, इस बार शैडो को ओपी आई थिंक हेडशॉट मार के डाउन कर दिया गया। शैडो को भी रिवाइव दे देना चाहिए और ओपी नोबिता को भी। ओपी नोबिता ऊपर कवर फायर नहीं दे पाए, नॉक हो गए। प्रॉब्लम में है अभी गोकू और ये राउंड भी जाते हुए लेजेंड रिदम्स के खाते में। इट्स जस्ट ओपी। लेजेंड रिदम्स का ओपी गेम प्ले देखने को मिल रहा है यहाँ। और ओपी गेम प्ले TF Beast को देखते हैं यहाँ। TF Beast ने M1014 ले लिया है, नया वो वाला M1014। डेविल राज ओनर ऑफ द लेजेंड रिदम्स का अभी तक खाता नहीं खुला है। अबे FF अभी 5 किल के साथ है, 5 किल के साथ। इट्स जस्ट ओपी। TF Master 1 किल अभी तक। शैडो फाइटर्स अभी फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, देखते क्या करते हैं। स्ट्रैटेजी लेके खेलना पड़ेगा और फुल स्क्वाड अगर एक साथ रहेंगे तभी काम, तभी कर पाएंगे। पूरा रश खेल रहे हैं यहाँ फुल स्क्वाड। ओ TF Beast का ओपी सा हेडशॉट यहाँ, और देखते हैं क्या करते हैं TF Master। डेविल राज को यहाँ नॉक कर दिया गया है, डेविल राज को खत्म कर दिया गया है। देखते हैं क्या करते हैं यहाँ। अभी 3v3 सिचुएशन चल रहा है यहाँ। यहाँ पैक हो गया कोई शायद, हाँ ओपी नोबिता यहाँ पैक कर लिया खुद को। TF Beast पूरा रश खेल रहे लेजेंड रिदम्स। मेरा पिन थोड़ा हाई जा रहा है, कोई ना। अभी 2v2 सिचुएशन और यहाँ खेला अभी FF को ले लिया गया है। SB गैंगस्टर को OP वाला रिवाइव देंगे, OP कोऑर्डिनेशन देख सकते हैं हम लोग। गोकू एलिमिनेट, रिवाइव देने के चक्कर में एलिमिनेट हो गए। TF Beast अकेला बचे हुए हैं, क्या ले पाएंगे राउंड। ओ माय गॉड, इस TF Beast का OP गेम प्ले देख सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हुए TF Beast क्या ले पाएंगे ये राउंड। ओ यहाँ TF Beast का OP 1v2 क्लच और यहाँ वापस से लेजेंड रिदम्स 3 राउंड लगातार जीतते हुए। यहाँ डेविल राज अभी तक खाता नहीं खोला है, देखते हैं डैमेज कितना हो उन लोग का। डेविल राज 913 डैमेज कर चुका है यहाँ। गोकू एक किल के साथ है। शैडो यहाँ 0 किल्स, नोबिता 1 किल, SB गैंगस्टर का 1 किल,
टीएफ बीस्ट 5 किल्स के साथ है, यहाँ टीएफ मास्टर 0-7 1 किल्स। डेविल राज का अभी तक खाता नहीं खुला है, खेला हुआ एफएफ का अभी तक 5 किल्स और टीएफ बीस्ट का मतलब 1 किल्स के साथ है। यहाँ स्ट्रैटेजी लगाना पड़ेगा, थोड़ा कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ हो गया, नहीं तो ले लेते वहाँ लेजेंड रिदम्स ले लेते वहाँ मैच को। शैडो देख, ओ यहाँ ओपी सा हेडशॉट देखने को मिला यहाँ शैडो से। यहाँ और यहाँ डेजर्ट से किसी ने वन टैप मारा, देखते कौन था वो, किसने मारा था वन टैप। ओपी नोबिता ने ओपी कवर देते हुए यहाँ रिवाइव कर दिए। एसवी गैंगस्टर को यहाँ ख़त्म कर दिया गया है और यहाँ ओपी था नॉक, बट एसवी गैंगस्टर खुद नॉक हो चुके हैं। देखते किसको नॉक किया गया था, यहाँ ये बीस को नॉक कर दिया गया था। ओपी नोबिता बचे हुए हैं, 1v3 क्लच ले पाएंगे क्या, ले पाएंगे 1v3 क्लच। और यहाँ टीएफ मास्टर ने ख़त्म कर दिया मैच को 4-0 से आगे बढ़ते हुए। यहाँ लेजेंड रिदम्स की टीम यहाँ थोड़ा बहुत ही भारी पड़ रहे हैं, सबका 1 किल्स हो चुका है फुल टीम का, सब प्रयास कर रहे हैं यहाँ, बट मैच अभी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। कमबैक होगा तभी मज़ा आएगा इस मैच में, देखते हैं। शैडो फाइटर्स को कमबैक करना चाहिए इस मैच में, इट्स नीडेड टू कमबैक। यहाँ ऊपर चढ़ेंगे, फुल स्क्वाड ऊपर चढ़ चुका है ऑलरेडी। खेला हबे एफएफ को गंदा वाला डैमेज दिया गया है यहाँ, क्या होता है आगे, वापस से गंदा वाला डैमेज यहाँ मेडकिट ख़त्म करते हुए यहाँ खेला हुआ एफएफ का। और टीएफ बीस्ट का 6 किल्स है टीएफ बीस्ट का भी, हाईएस्ट किल्स के साथ अपने टीम के लिए। डेविल राज का अभी भी 1 किल के साथ ही है। शैडो फाइटर्स को कोऑर्डिनेशन में और अच्छा करना पड़ेगा, तो यही देखना है कि आप कमबैक कर पाएंगे। दोनों खड़े हैं यहाँ देखते हुए, यहाँ शैडो और यहाँ गंदा वाला हेड बैठा दिए यहाँ। गोकू को भी हाँ रिवाइव दे दिया गया है, गोकू को भी ओपी रिवाइव। क्या होता है आगे, यहाँ जोन से एलिमिनेट होने को है ये लोग, जोन से एलिमिनेट, ये एक्सपेक्टेड नहीं था टीम ने, जोन से एलिमिनेट होके खत्म शैडो फाइटर्स की टीम। लेजेंड रिदम्स का बहुत ही अच्छा प्रयास है, 7-0 से हराएंगे शायद। शैडो फाइटर्स को कमबैक करना चाहिए तभी मज़ा आएगा मैच में, तभी दिलचस्प बनाएगा क्या होता है, कब मैच खत्म। और यहाँ मैच अभी भी चालू है, एस बी गैंगस्टर यहाँ 1 किल्स, 4v4 सिचुएशन, अभी भी कोई मरा नहीं है, पूरा होल्ड खेल रहा है सब। डेविल राज 1 किल के साथ खेला हुआ एफएफ को देखते हैं यहाँ क्या करते हैं। फर्स्ट
और यहाँ ओपी नोबिता को ख़त्म कर दिया गया है। शायद कोई होम चल रहा है टीम में। टीएफ बीस्ट को ख़त्म कर दिया, इस भी गैंगस्टर ने टीएफ बीस्ट को ख़त्म कर दिया है। डेविल राज देखते हैं क्या, डेविल लेजेंड बोल सके तो डेविल राज, डेविल लेजेंड, डेविल लेजेंड क्या करते हैं हमारा डेविल लेजेंड, डेविल बॉन्स के। शैडो को यहाँ ख़त्म कर दिया है, डेविल राज अकेले बचे हुए हैं, देखते हैं क्या कर पाते हैं मैच। और ये राउंड, पहला राउंड जीते यहाँ शैडो फाइटर्स के खाते में, पहला राउंड जाते हुए ओपी लेवल। टीएफ बीस्ट 7 किल्स के साथ अभी भी वापस से यहाँ ओम लिए, टीएफ बीस्ट वापस से ओम चला रहे हैं यहाँ। टीएफ मास्टर 5 किल्स के साथ यहाँ गोकू, हाँ बहुत ही बढ़िया। यहाँ कमबैक करना पड़ेगा तभी होगा कुछ, कमबैक करेंगे तभी आगे जा पाएंगे। क्या करते हैं यहाँ देखते हैं स्ट्रेटेजी, शैडो फाइटर्स जीतने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं देखते हैं यहाँ। इसमें गैंगस्टर पीछे से घूम रहे हैं क्यों पता नहीं, आगे जाना चाहिए टीम के साथ। यहाँ ओपी नोबिता हर बार अकेले रश कर रहे हैं, ओपी नोबिता अकेले रश कर रहे हैं यहाँ देख सकते हैं हम लोग। शैडो को डाउन कर दिया गया है, शैडो को डाउन कर दिया, देखते हैं कौन था वो जो शैडो को ले लिया। टीएफ मास्टर ने पीछे से जाके शैडो को ले लिया। यहाँ 3v4 सिचुएशन वापस से शैडो फाइटर्स से, यहाँ गोकू ओम चला रहे हैं, यहाँ ओपी नोबिता को यहाँ ख़त्म कर दिया गया, गंदा वाला डैमेज्ड थे ओपी नोबिता। 2v3 सिचुएशन फॉर गोकू, और इस भी गैंगस्टर बचे हुए हैं, नॉक कर दिया यहाँ पीछे से, कवर देना का आना चाहिए यहाँ। शैडो यहाँ ऑफलाइन देख सकते हैं हम लोग, शैडो को यहाँ शैडो ऑफलाइन हो चुके हैं, ये एकदम अच्छी बात नहीं है। यहाँ नॉक कर दिया गया है, यहाँ बैकअप के लिए आना चाहिए था इस भी गैंगस्टर को फटाफट से, बैकअप के लिए आना चाहिए थे बट रिवाइव दे दिया। ये एक बहुत ही बड़ी गलती हो सकता है यहाँ शैडो फाइटर्स की टीम से। और डेविल राज ने ख़त्म कर दिया, बहुत ही बड़ी गलती कर बैठे यहाँ टीम। देखते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। हर एक मैच डू और डाई शैडो फाइटर्स के लिए, हर एक मैच डू और डाई। शैडो वापस आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया बात है टीम के लिए, शैडो वापस आ चुके हैं। क्या होता है अभी टीएफ बीस्ट का अभी तक का हाईएस्ट किल, और शैडो फाइटर्स की तरफ से हाईएस्ट किल्स है इस भी गैंगस्टर का। ओपी नोबिता से ये उम्मीद नहीं है, और अच्छा खेलना पड़ेगा, ओपी नोबिता बहुत अच्छे खेलते हैं शैडो फाइटर्स टीम से। इस भी गैंगस्टर और ओपी नोबिता अगर एक साथ खेलेंगे तभी बात बनेगी। सबको एक साथ आ जाना चाहिए तभी हरा पाएंगे इन लोग को। टीएफ मास्टर को यहाँ ख़त्म कर दिया है शेप एसडी गैंगस्टर ने आई थिंक, कहाँ शैडो यहाँ नॉक वापस से। पीछे से कवर देने जाना चाहिए एसडी गैंगस्टर, पहले हील कर ले खुद को। ओ गोकू को ख़त्म, ओ एस बी गैंगस्टर को ओपी कवर पीछे से, सिर्फ एस बी गैंगस्टर वापस से, सिर्फ एस बी गैंगस्टर बचे हुए हैं मैच में, सबको रिवाइव दे दिया गया है।
सामने डेविल लेजेंड, सामने है डेविल लेजेंड, देखते हैं डेविल लेजेंड क्या ले पाते हैं हम इसको, या 1v2 खेल जाएंगे इस भी गैंगस्टर। और यहाँ इस TF बीस्ट का OP ओम, और यहाँ जीत चुके हैं लेजेंड रिदम्स की डीप। यहाँ आप रिजल्ट देख ही सकते हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट मैच के साथ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।